Good morning and welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I am Jhanvi Tiwari and I am vlogging today. So, आज से सारे लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड कल से हमारी पूजा स्टार्ट होगी. एंड ऑल्सो सो सॉरी फॉर माई वॉइस, बहुत ज्यादा बैठ गई है पता नहीं क्यों. बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए बट हो ही नहीं रहा है. बट ठीक है, लेट मी टेल यू ऑल क्या क्या होने वाला है. सो सबसे पहले तो कल स्टार्ट होगी अखंड रामायण, विच इज लाइक अ 24 आवर्स का पार्ट, नॉन स्टॉप पार्ट होता है. सुबह स्टार्ट होता है, पूरी रात चलता है, नेक्स्ट डे खत्म होता है. एंड मेरे भाई का जनेऊ है. सो बेसिकली जनेऊ में सारी चीजें होती हैं जो एक शादी में होती है, जस्ट बारात नहीं जाती है. एंड देन वी हैव लाइक अ फैमिली गैदरिंग जहाँ पे सब आएंगे, लंच करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. सो थोड़े व्लॉग्स मेरे चैनल पे आएंगे, थोड़े व्लॉग गोपू दीदी के चैनल पे आएंगे, तो जरूर देखना. एंड अभी अभी मैं उठी हूँ, एज यू ऑल कैन क्लियरली सी. लेट्स गो डाउन, लेट्स सी क्या क्या हो रहा है एंड लेट्स स्टार्ट अ डे. आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड. बहुत वेट किया है गृह प्रवेश का एंड फाइनली इट इज हैपनिंग. गाइस हम आ गए बड़े पापा के फ्लोर पे. बहुत काम हो चुका है बट अभी भी थोड़ा ड्रिलिंग का काम चल रहा है वॉशरूम में थोड़ा सा. बड़े पापा का घर भी बहुत सुंदर लग रहा है. फाइनली एवरीथिंग हैज कम टुगेदर. यहाँ पे काम हो रहा है. ये देखिए सेलू मैडम. गुड मॉर्निंग सेलू मैडम. ये सोनू का बाथरूम, बहुत सिमिलर वाइब है. सोनू गुड मॉर्निंग. गाइज दिस इज दी वॉलपेपर, कितना सुंदर लग रहा है. गुड मॉर्निंग ब्रो. गुड मॉर्निंग. हाउ डू यू फील? वेरी गुड. गुड मॉर्निंग. कैसा लग रहा है फाइनली मम्मी गृह प्रवेश? बहुत अच्छा लग रहा है. वी यूज्ड टू इमेजिन कि हम हमारा गृह प्रवेश कैसे करेंगे. बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन आज वो काम पूरा हो गया. जानू बोलती थी बड़ी वाली पूजा करानी है. आज मम्मी के सारे माइक वाले भी आ रहे थे, खुश तो बहुत होंगी मम्मी. नहीं हमें ससुराल वाले भी आ रहे हैं. मम्मी इज लाइक नो भेदभाव. सब लोग जाने वाले, तो इट इज गोइंग टू बी बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत मजा आ रहा है. आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, आपको बहुत मजा आने वाला है. यहाँ पे मेरा और दीदी का पोहा हो रहा है जिसमें थोड़ी सी चीनी एड की गई है. हेलो गाइज, वी आर इन आर क्लोजेट. हम डिसाइड कर रहे हैं हम क्या पहनेंगे. वी हैड रियली नो टाइम टू डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू वेयर व्हेन. खाली हमने एक दो साड़ियां ले लिए जो हम पहन रहे हैं बट पूजा में बाकी दिन सूट वगैरह कौन से पहने नो आइडिया. सो वी आर गोइंग टू फिगर दैट आउट राइट नाउ. सो हमने यहाँ पे सारे हमारे आउटफिट्स रख लिए जो जो हम पहनने वाले हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. और थोड़े बहुत हमने सिलने के लिए ब्लाउज दिए थे वो भी आ गए. नाउ वी आर सॉर्टिंग द ज्वेलरी दैट वी विल बी वेयरिंग. और सब अच्छे से प्री प्लान करना है. आई लव थिंग्स टू बी प्री प्लान. हेलो आई एम व्लॉगिंग आफ्टर 2 to 3 hours. शावर इज डन, मैंने हेयर वॉश कर लिया एंड आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट. सो मुझे कुछ इंडियन पहनना था बट नॉट टू हैवी, सो आई एम वेयरिंग दिस. इट इज द लंच टाइम, लेट्स गो, लेट्स हैव लंच. ओके गाइज, नीचे जाने से पहले आई क्विकली नीड टू मॉइस्चराइज माई स्किन रियली वेल क्योंकि विंटर्स का भी गृह प्रवेश हो चुका है. एंड इस बेहद प्यार भरी भावना को डील करने के लिए आई यूज माई ऑल टाइम फेवरेट निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये ना हर घर में होना ही चाहिए, बहुत मल्टीपर्पज क्रीम है. एंड दिस इज मेड अप ऑफ विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल. ये दोनों इन्ग्रीडियंट्स आपके स्किन को एकदम सॉफ्ट एंड नरिश्ड फील कराते हैं, विच फील्स सो गुड. इसका ना आपको टेक्स्चर देखना चाहिए. इट melts in my skin so well. It is so lightweight and it almost feels like it is not there. मुझे नहीं पता मैंने इसके कितने टब्स ऑलरेडी यूज कर लिए हैं. ये ना विंटर्स में आपको एकदम फ्रेश फीलिंग देता है एंड यू कैन यूज दिस ऑन योर फेस, नेक एंड हैंड्स. दिस गिव्स ग्रेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन टू माई स्किन एंड इज ऑल्सो मेड फॉर ऑल द स्किन टाइप्स. तो आपको भी इंस्टेंटली परचेज कर लेना चाहिए इसे. और एक और बात, इसमें ना बहुत सटल सी फ्रेग्रेंस है विच आई लव. आई लव हाउ दिस प्रोडक्ट डज वॉट इट क्लेम्स. बिल्कुल भी ग्रीजी एंड ऑयली फील नहीं होता लगाने के बाद एंड काफी लाइट वेट है. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, इसकी प्राइस रेंज काफी अच्छी है. सो डू चेक आउट दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने वहां पे लिंक कर लिया है, तो जाके खरीद लो. नाउ लेट मी गो, फटाफट लंच करते हैं चलो. एंड डेकोरेशन चालू हो चुका है. ये हमारे घर के पीछे का प्लॉट है जिसको साफ किया जा रहा है. यहाँ पे बहुत सुंदर सा मंडप वंडप बनने वाला है, सो इक्वल किया जा रहा है. ऑल्सो यहाँ पे हमारी लिफ्ट लगनी थी जो लग नहीं पाई है. लिफ्ट का सामान है सो वी नीड टू कवर दिस पार्ट एज वेल. और ये देखो सब यहाँ पे गुलीगिरी कर रहे हैं. मामा ये भी लेना है, चलें. ओके आई एम गेटिंग रेडी क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं अभी. एंड अभी बस मुझे ये करके फटाफट गद्दे रखवाने जाना है. सो लेट्स डू इट, ये.
ये देखिए आज की हमारी चाय बन रही है इतने बड़े तपेले में। क्यों मम्मी? देखने को मिलती थी फ्राई पैन में। मम्मी के मायके वाले बस आने ही वाले हैं और मम्मी की स्माइल बहुत बड़ी हो चुकी है, सुपर एक्साइटेड। और ये देखो दादी अपनी बहनों के साथ गप्पे मार रही हैं। बताओ गॉसिप चल रही है, एकदम डीप गॉसिप, परेशान मत करो। अभी नीचे ना टेंट बन रहा है तो मुझे दादू ने बोला है पहले जाके नजर बट्टा लगा के आओ, तो मैं वो कर रही हूँ। प्लांट टूट जाएगा, सॉरी। प्लांट को बचाओ। आपका कड़ी पत्ता सही सलामत है। हेलो जालू, नानी आ गई। यहाँ पे जगह है ही नहीं, लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। हेलो, हम आए हुए हैं बाहर, हम आए हुए हैं पाव भाजी लेने। कितनी पाव भाजी मंगवाई? आई वॉन्ट टू नो। गेस, मैं बताती हूँ, इसने लिए होंगे 70 पाव और 15 भाजी। ऑर्डर पूरा सुन के आई और अब यहाँ होशियारी मार रही है। मार तो रही हूँ, तुम लोग तो वो भी नहीं मार पाए। यहाँ आ गया है मिसल पाव। मिसल पाव नहीं है, मसाला पाव है। सॉरी 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 मुंबई वाले महाराष्ट्र वाले लोग, आ गया है मसाला पाव। इवेंट के एंकर लगे ना, किसी के संगीत में कोई परफॉर्म करने आ रहा हो ना, अब नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे मसाला पाव। देखो पाव भाजी नहीं, पाव भाजी की बाल्टी, लेजिट बाल्टी आई है पूरी पाव भाजी की। हाँ, यहाँ पे टेबल चेयर्स वगैरह लग गए हैं। ये यहाँ पे ना अभी बाकी फ्लावर का डेकोरेशन होगा। हाउ मच पाव भाजी इज टू मच पाव भाजी, ओ माय गॉड। मामा को पाव भाजी बहुत पसंद है। अरे वाह, गुड, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स द डिनर, बेस्ट डिनर। हेलो, द डिनर इज डन एंड आपको जो पीछे आवाज सुनाई दे रही है वो आपको सुनाई दे रही है क्योंकि बुलौआ लग रहा है, दैट्स व्हाट इट इज सेड आई थिंक। सो बेसिकली ऑल द फीमेल्स सेट इन अ सर्कल, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं एंड माता जी एंड बाकी सारी चीजों के गाने गाते हैं। सो वही चल रहा है अभी। यहाँ से इश्क लड़ाया जा रहा है, ये देखो। आपकी आंटी जी को कुछ नहीं आता। गाइज द बेस्ट डांसर इन द हाउस इज हियर, हमारी छोटी मामी जी। नहीं कहेगी, बहुत अच्छा नाचती है, बहुत अच्छा बजाती, बहुत अच्छा बजाती हो। हाथ लाल पड़ गए। पाली इन बुरी बेटीज ब्लॉग। हेलो आयुष, हेलो। तो इस बार हमें रेलवे स्टेशन की जर्नी में ड्राइवर गिरी में कंडक्टर बने हैं आयुष जी, क्योंकि मैं सिर्फ ड्राइवर ही कर पाती हूँ, मैं सामान नहीं उठा पाती हूँ। तो हमें सामान के लिए एक ऐसा कंडक्टर लेके घूमना पड़ता है। एंड वी आर योर रेलवे स्टेशन फॉर द थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम। और अभी ना अभी तो रात के कुछ 11 बज रहे हैं, हमें 2:30 बजे जाना है, हमें सुबह 5 बजे जाना है। इतनी पब्लिक आई है कानपुर से, इतनी पब्लिक आई है, हम पिछले 20 मिनट से खड़े हैं कि सारी भीड़ खत्म हो फिर हम जाए, सारी भीड़ खत्म हो फिर हम जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज द नेक्स्ट डे। मैं सुबह सुबह नीचे आई हुई हूँ। यहाँ पे जो बाकी का सेटअप था वो हो रहा है। ऑल्सो मंडली आ रही है कथा करने के लिए, सो उनका भी सामान आ चुका है। अभी यहाँ पे फ्लावर्स लगने बाकी हैं, ऊपर से हैंग होंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। हियर्स आर बैनर गाइस। आयुष ओके गाइस, हमारी ना टंकी है जिसके ऊपर स्टेज बन गया था तो जाग लगा के ऊपर किया गया है और अब टैंकर से पानी भरा जा रहा है। पानी टपक लाए।
आई जस्ट टुक शावर एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी. मेरी वॉइस जाती ही जा रही है, बट एनी वेज लेट मी शो यू ऑल माई आउटफिट. सो आई एम वेयरिंग दिस कुर्ता विद दी शरारा और इसके साथ ना एक व्हाइट कलर का दुपट्टा भी आया है, बट आई एम नॉट कैरिंग दैट, आई एम कैरिंग दिस दुपट्टा. क्योंकि व्हाइट हो जाएगा पूरा तो मुझे डांट पड़ेगी, हम पूरा व्हाइट नहीं पहन सकते, पूरा ब्लैक नहीं पहन सकते. सो आई हैव एडेड दिस कलरफुल दुपट्टा अलॉन्ग विद इट. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई मेकअप एंड आई एम गोइंग टू फिल्म अ गेट रेडी विद मी एंड आई विल सी यू वंस आई एम रेडी. That's how my makeup looks, guys. Also, there are pimples. क्योंकि स्किन को बैड बिहेव करना होता है जब बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन होते हैं. क्या कर सकते हैं, ये देखिए सारे पत्ते आ चुके हैं जिसकी जरूरत होगी. और यहाँ पे चल रहा है डेकोरेशन, बहुत प्रिटी लग रहा है. रेडी. हेलो हेलो. पूजा हो रही है ना, कितना लग रहा है. बहुत सुंदर फूल लगाए और बच्चे को फूल खराब करो बच्चों. सही बात है. ये देखो बच्चों की शैतानी शुरू हो चुकी है. क्यों क्यों कर रहा है ये गेम. ब्लॉगिंग आफ्टर अ वाइल्ड शाम हो चुकी है और अखंड रामायण चल रही है. यहाँ पे कोई रस्म चल रही है जिसका मुझे और जीनू दीदी को आइडिया नहीं है. मम्मी बच्चों को कह रही है बेटा कल स्कूल नहीं जाना, समोसे खाने हैं. मेरा बच्चा बोल रहा है हाँ आंटी मैं नहीं जाऊंगी, मैं पार्टी एंजॉय करूंगी. राम हमने ना बाहर बोर्ड लगवाया तिवारी फैमिली वेलकम्स, इनका पेट नहीं भरा था तो ये लेके आए हैं. तिवारी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है. दिस हिट बेटर. पूजा वूजा तो ठीक है, रियल फन इज सिटिंग विथ योर कजिन और जो नीचे हो रहा है उसको डिस्कस किया जाए. और एक ही जाने जो काम कर रहा है वो है ये, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है. चलो खाना खिलाने से. अच्छा मैंने सुबह से काम नहीं किया, वापस बोलिए. बहुत काम किया हम लोगों ने, बहुत काम. 5-10 मिनट टाइम यही ये अभी बुलाने आया था. एम्प्लॉय टाइम आउट मांगते हुए क्यों आई, अभी हमें वापस आ रहे खाना सर्व करने. आई थिंक आ रही हूं सब. चलो 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 सब, अभी तो हम ऊपर आए. अरे तुम बस आगे नहीं. जी सब ठीक हो जाए. जी गाइस वेलकम टू तिवारी हाउस. हम यहाँ पे सबको खाना परोस रहे हैं. आई लव दिस. हमारे मामा जी हमारी मदद करते हुए क्लियरली सबको खिलाने के बाद हम लोग बैठे हैं. मुझे मेरे दादाजी का एक बाल तोड़ के लाना है या पूजा होगी उसकी. कैसी पूजा होती है. एक चोटी का बाल मंगवाया. दादी ने इन्होंने और दो चार पूजा करी तो बाल बचेंगे. बोल रहा है गाइस हमको रात हो गई है काम करते करते, अब सोने का टाइम हो गया है पर अभी सोएंगे नहीं. क्या करेंगे, बैठ के बातें करेंगे. जो आज पूरे पूरे दिन में एक दूसरे ने एक्सपीरियंस किया वो एक दूसरे के साथ शेयर बताएंगे. हाँ गाइस आज की स्टोरीज यश सुना रहा है.